बिना हेलमेट के फर्राटा भरने वाले मोटरसाइकिल चालक, उसके साथ ही पीछे बैठने वाले भी अगर हेलमेट नहीं पहने हैं तो हो जाएं सावधान, क्योंकि कल से भागलपुर में ऑटोमेटिक चालान शुरू हो जाएगा। मोटरसाइकिल पर जो भी चालक बिना हेलमेट के बैठते हैं उस पर चालान कल से कटना शुरू हो जाएगा। इसको लेकर यातायात पुलिस एवं पुलिस प्रशासन द्वारा सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। इसको लेकर यातायात DSP आशीष कुमार सिंह ने बताया कि कल से भागलपुर शहर के हर चौक चौराहों पर कैमरे से वैसे मोटरसाइकिल चालक पर निगरानी रखी जाएगी जो बिना हेलमेट के चलेंगे। साथ ही वैसे लोगों पर भी कैमरे की पैनी नजर रहेगी जो मोटरसाइकिल के पीछे बिना हेलमेट पहने बैठे हैं। बिना हेलमेट की चालक की मोबाइल पर मैसेज से चालान कटकर SMS के जरिए इसकी सूचना दी जाएगी। इसकी सूचना हर चौक चौराहों पर लगे साउंड सिस्टम में खुद यातायात DSP आशीष कुमार सिंह ने दी। इसके बाद एक्चुअली ये पहले ही आ गया था गाड़ी का फाइन का ऑटोमेटिक चालान के थ्रू, लेकिन पर्व के मद्देनजर हम लोग रुके हुए थे कि पर्व है अभी, बहुत लोग खामखा परेशान होंगे। एक्चुअली पालन तो करना ही था, यातायात नियमों का पालन करना अति आवश्यक है क्योंकि जान जुड़ा हुआ है उसका प्राण की सुरक्षा से। तो अब पर्व भी संपन्न हो गया तो अब उसको लागू करने में लेट करना वो श्रेयस्कर नहीं है। किसी घर के बच्चे एक्सीडेंट करते हैं तो फैटेलिटी का चांस जो है, जो हम लोग करने जा रहे हैं उससे फैटेलिटी का चांस कम होता है। तो ये ही अपने आप में इसको लेते हुए, पॉजिटिव वे में लेते हुए हम लोग इसको कल से ऑटोमेटिक चालान निर्गत करने की प्रक्रिया चालू कर लें, और पहले से कई बार अनाउंस करते रहे हैं। लोगों से अपील है कि यातायात नियमों का पालन करें, सुरक्षित यात्रा करें, नए लड़के कम उम्र के बच्चों को वाहन या बाइक नहीं दें, बिना हेलमेट का तो किसी भी स्थिति में नहीं निकलें, क्योंकि रोड पे आप बढ़िया चलाते हैं, बड़ी गाड़ियाँ ओवरलोड या जो भी हैं स्पीड वाले लोग हैं ही वायलेशन करने के लिए बहुत लोग, तो चूँकि इन्फोर्समेंट के थ्रू थोड़ा सा वायलेशन कम हो इसके लिए हम लोग सभी पुलिसकर्मी और पुलिस पदाधिकारी लगे हुए हैं, ये चाहते हैं कि सभी लोगों का सुरक्षित यात्रा हो। इसके मद्देनज़र हम लोग इसको अब बिना विलम्ब किए हुए कल से शुरू करना चाह रहे हैं। और हेलमेट का एक और ये कि हेलमेट में दो आदमी बाइक पे चलना है और दोनों को हेलमेट पहनना है। अगर चालक जो चलाने वाले हैं वो हेलमेट पहनते हैं और पीछे नहीं पहनते हैं तो ही फाइन होना है। इसलिए दोनों आदमी को बढ़िया स्टैंडर्ड का हेलमेट पहनना चाहिए जिससे उनकी कभी भगवान ना करे लेकिन अगर दुर्घटना हो तो उनको मतलब कम से कम नुकसान हो। इसके मद्देनज़र और सभी लोगों से अपील करते हुए सभी लोगों को सुरक्षित यात्रा के लिए ईश्वर से कामना भी करते हैं और सबका घर सभी बच्चे सुरक्षित रहें। भागलपुर जिला अंतर्गत सेंट टेरेसा स्कूल के कंप्यूटर शिक्षक अनीस आनंद ने गले में फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। कंप्यूटर शिक्षक अनीस आनंद महज 25 वर्ष के थे। वो इसाकचक थाना क्षेत्र के शिवपुरी कॉलोनी में रहते थे। मामले को लेकर मृतक के पिता जयप्रकाश चौधरी ने बताया कि वो रोज की तरह रात में खाना खाकर अपने कमरे में सोने गया और तकरीबन 3 बजे सुबह उसकी पत्नी काफी घबराई हुई आई और कहा कि उनकी तबीयत काफी बिगड़ी हुई है। जब हम लोगों ने जाकर देखा तो वो सचमुच अचेत पड़ा हुआ था। फिर उसे आनंद फानन में मायागंज अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं सेंट ट्रेसा के कंप्यूटर शिक्षक अनीस आनंद के निधन के बाद पूरा विद्यालय परिवार शोक में डूबा हुआ है। इसको लेकर आज विद्यालय भी बंद रहा। वहीं आशंका जताई जा रही है कि अनीस आनंद शायद पारिवारिक कलह में यह कदम उठाया हो। क्या घटना? हाँ, खाना खा करके मम्मी बोले खाना खा लिया, नहीं अब सोने गया। उसके बाद 3 बजे रात में उसको वाइफ आई, मम्मी कैसे कर रही, हम लोग पूरा हॉस्पिटल लेके आए। यही बात है, उनके पति पत्नी में झगड़ा हुआ? झगड़ा हुआ नहीं हुआ, वो सब कुछ झगड़ा हुआ नहीं। ये सेंटर सागर टीचर है, झगड़ा हुआ क्या करते थे? टीचर है सेंटर सागर, सब अभी आया था तो सात गाड़ी आया था, स्कूल अब बंद हो गया। तो एक सेंटर अनीस आनंद, आप कौन है? उनके पापा है। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश चौधरी। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है।
ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर जिले में चयनित 3760 शिक्षकों को 2 दिनों के अंदर नियुक्ति पत्र दिया गया। साथ ही प्राथमिक विद्यालय व उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को आज विद्यालय भी आवंटन कर दिया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि आज 1957 शिक्षकों को विद्यालय आवंटित किया गया है और नियुक्ति पत्र देने के समय हम लोगों ने कई कमरे बना रखे थे जिसमें किसी शिक्षकों को परेशानी न हो। पहले अभिभावकों की भीड़ काफी हो गई थी, अभिभावकों को भीड़ हटते ही सारा कुछ सही हो गया और शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने में आसानी हुई। सभी शिक्षक संतुष्ट है और सभी शिक्षक काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। उच्च माध्यमिक के शिक्षकों को इंटर स्तरीय जिला स्कूल में नियुक्ति प्रदान किया गया है। वहीं माध्यमिक शिक्षकों को नवस्थापित जिला स्कूल में नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया जबकि प्राथमिक शिक्षकों को राजकीय बालिका हाई स्कूल में नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। हर केंद्र पर विषयवार कमरे रोल नंबर लिखे हुए थे ताकि किसी भी नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र लेने में किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि जो नियोजित शिक्षक है उन्हें 30 नवंबर तक आवंटित स्कूल में हर हाल में ज्वाइन कर लेना है जबकि जो नवनियुक्त शिक्षक है उन्हें अब तक आवंटित किए गए स्कूल में ही ज्वाइनिंग करनी है नहीं तो उनकी चयन प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग द्वारा भी पत्र जारी किया गया है। वहीं नियुक्ति पत्र पाकर शिक्षकों में खासा उत्साह देखा गया। वहीं महिलाओं दिव्यांग व हर वर्ग के युवा सरकारी शिक्षक बनकर काफी खुश दिखे। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने बहुत काफी कम एज में फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और ये मेरा ड्रीम था टीचर बनना और अब सक्सेसफुल हो गया, पूरा हुआ है। और कितनी मेहनत करी थी आपने इसके लिए? इसके लिए मैंने मतलब मैं KVS की तैयारी कर रही थी तो कहीं ना कहीं KVS की तैयारी के साथ साथ ये वाली तैयारी भी मेरी हो गई थी तो इसकी वजह से मेरा BPSC क्लियर हो गया बट मेरा KVS नहीं हो पाया, उसमें कट ऑफ थोड़ी हाई चली गई थी। कैसे बच्चों को अब शिक्षा देंगे? मैं तो अपनी तरफ से बेस्ट दूंगी क्योंकि अभी मैं ट्रेनिंग के दौरान भी जो मैं गई थी बच्चों को पढ़ाने तो काफ़ी बच्चे मेरे साथ इन्वॉल्व थे तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर क्वालिटी है टीचर वाले बच्चों को बेस्ट। हाँ, बच्चे मेरे साथ जल्दी घुल मिल जाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अंकिता। कहाँ पोस्टेड है? मेरा है कहलगांव ब्लॉक में, स्कूल का नाम है राजकीय बुनियादी स्कूल। तो नियुक्ति पत्र जो मिला तो प्रॉब्लम भी हुआ आपको क्या? बहुत भीड़ भाड़ था? होगा ही प्रॉब्लम। तो व्यवस्था कुछ अच्छा रहना चाहिए, इसको लेकर कुछ कहेंगे क्या? ठीक है, नौकरी हो गया इससे खुशी है आप? जहाँ तक व्यवस्था की बात है तो आप हमारे यहाँ से नवस्थापित जिला स्कूल जहाँ पर मैं नियुक्ति पत्र बांट रहा हूँ आप कमरा में ऐसे के घूम घूम करके देख सकते हैं, हमारी व्यवस्था पूर्णतः संतुलित है, भीड़ एकदम ही नहीं रही। अब प्रारंभ में चूंकि गार्जियन ज़्यादा आ गए थे इस वजह से भीड़ें थी, गार्जियन को हम लोगों ने एंट्री करने नहीं दिया, कैंडिडेट केवल आए अपॉइंटमेंट लेटर हैं से कि हम लोगों ने अब तक ऐसे 60% से ज़्यादा वितरित कर दिया है। कितने लोगों का था? 1957 लोगों का था जिसमें अब तक ऐसे कि 800 से ज़्यादा लोगों का वितरण ऐसे हो चुका है। आप कमरों का मुआयना करने के बाद इसका एहसास कर सकते हैं। मालदा डिवीजन के तहत क्यूल भागलपुर जमालपुर रेलवे स्टेशन का आज स्टेशन के विकास को लेकर मालदा डिवीजन के GM MP द्विवेदी DRM विकास कुमार चौबे ने निरीक्षण किया। वहीं भागलपुर पहुंचे मालदा डिवीजन के GM और DRM ने भागलपुर स्टेशन के कई विभागों का निरीक्षण किया। यात्रियों के मूलभूत सुविधाओं में साफ सफाई से लेकर बिजली की व्यवस्था, यात्रियों के लिए पीने के स्वच्छ पानी, कैंटीन में खाने की गुणवत्ता से लेकर शौचालय की साफ सफाई तक का निरीक्षण किया। साथ ही 450 करोड़ रुपए की लागत से भागलपुर स्टेशन का कायाकल्प जल्द होने वाला है, इस पर भी कई बिंदुओं पर उन्होंने वार्ता की। मौके पर उनके साथ परिचालन इंजीनियरिंग, ट्रैक्शन, सेफ्टी समेत अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद थे। सभी से DRM ने भागलपुर क्यूल के बीच बनने वाले थर्ड लाइन की प्रगति रिपोर्ट भी ली। साथ ही साथ भागलपुर में भी DRM और GM ने कई वार्ड का भी निरीक्षण किया। वहीं भागलपुर पहुंचने के बाद छठ पूजा पर स्पेशल ट्रेन को लेकर उन्होंने कहा कि मैं खुद छठ करता हूं, मेरे परिवार में छठ पर्व होता है, मैं छठ के महत्व को जानता हूं, मैंने छठ पूजा के दौरान कई लोकल और एक्सप्रेस ट्रेनों को चलवाया। उन्होंने कहा कि यशवंतपुर में
में बोगी बढ़ाने की भी बात चल रही है, जल्द उसे भी पूरा किया जाएगा और हेड क्वार्टर में लखनऊ बरौनी पर भी विचार जल्द ही किया जाएगा। राजधानी और अगरतला की बुकिंग शुरू हो गई है, या भागलपुर शहर के लिए बड़ी खुशी की बात है। इसे अभी एक दिन के लिए किया गया है, इस एक दिन को भी आगे बढ़ाया जाएगा। जो बहुत ऑगमेंटेशन हुए हैं अभी राजधानी का भी, अगरतला वाला का बहुत ज्यादा डिमांड था यहाँ का, एक दिन कर दिया जाए तो वो भी कर दिया, बुकिंग स्टार्ट हो गई है उसकी। तो छठ के लिए जो नंबर ऑफ ट्रिप्स और स्पेशल ट्रेन, अभी डीआरएम साहब एक ट्रेन लेकर के यहाँ से जमालपुर के बीच ये तो पहली बार हुआ, ये बहुत अच्छा। देखिए मैं भी छठ करता हूँ, मेरी वाइफ करती है, तो हम जानते हैं छठ की क्या महत्व है, पर हमेशा देखते हैं कि छठ में लोगों का बहुत परेशानी रहता है, पर ट्रैवल सभी करना चाहते हैं, उस समय सभी घर पहुँचना है, तो हम लोग अपनी ओर से कोशिश करते हैं, हमारी लिमिटेशन जो है उसके अंदर में जितना कोशिश कर सकते हैं, चूँकि ये एरिया इम्पोर्टेंट है तो यहाँ से आस पास हम लोग, ये तो बिहार का पोर्शन है, कलकत्ता में भी हम लोगों ने कुछ स्पेशल ट्रेन चलवाए, लास्ट मोमेंट में भी चलवाए जितना हम लोग कर सकते हैं। एक से इम्पोर्टेंट जो मैंने बहुत दिनों से ये भी प्रस्तावित है, लखनऊ बरौनी को भगत विस्तारित, तो ये अगरतला तो हो गया, ये भी अभी प्रपोजल्स में गया है, बहुत डिमांड में है। देखिए कोई भी प्रपोजल जब जाता है तो उसका सिस्टम यह है कि यहाँ से डिवीजन प्रपोज करता है, या कोई एमपी साहब लोग प्रपोज करते हैं, उसको डिवीजन एग्जामिन करता है, डिवीजन को अगर फीजिबल लगता है तो वो हमारे हेडक्वार्टर भेजता है, फिर हेडक्वार्टर में एग्जामिन करके अगर हर तरह से फीजिबल, बिकॉज अगर इंटर रेलवे ट्रेन है तो उनसे भी बात करनी पड़ती है। अब वो बरौनी वालों को हो सकता है कि दुख हो कि मेरा ट्रेन आगे क्यों जा रहा है, सब लोग अपना चाहता है कि मेरे यहाँ से स्टार्ट हो जाए, वो सब कंसिडरेशन पे ले करके अगर सेटिस्फैक्ट्री लगता है वो रेलवे भी एग्री कर सकते हैं, रेलवे बोर्ड को भेजते हैं, फिर रेलवे बोर्ड भी उसको अपने हिसाब से एग्जामिन करके तो भेजते हैं, तो नॉर्मली देर सवेर हो जाता है, उम्मीद कब तक है यहाँ की? ये तो देखिए जो कि यहाँ से यात्री बहुत नहीं है, जो हमारे हाथ में नहीं है उसका हम डेट कुछ नहीं दे सकते। बांका जिला अंतर्गत बाराहाट रामकोल का रहने वाला मिस्टर यादव का पुत्र आकाश कुमार को उसके संबंधियों ने ही खेत की ओर जाने के क्रम में गोली मार दी। हालांकि गोली उसके सीने में ना लगकर पैर में लगी, जिसका इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा है। घायल आकाश कुमार ने बताया कि हम लोगों का जमीनी विवाद पहले से चल रहा है, जिसको लेकर कुछ दिन पहले पवन यादव और बिट्टू यादव ने हम लोगों से काफी झड़प किया। आज जब मैं खेत की ओर जा रहा था तो मुझे अकेला पाकर गोली मारकर घायल कर दिया। गौरतलब है कि बाराहाट रामकोल का रहने वाला आकाश कुमार घायल होकर खेत में ही जमीन पर गिर गया। इसकी सूचना परिजनों को मिलते ही उसे आनन-फानन में उठाया और बाराहाट प्राथमिक अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी स्थिति ठीक नहीं थी, जिसके चलते वहां से बेहतर इलाज के लिए घायल युवक आकाश कुमार को मायागंज अस्पताल ले जाया गया। तत्काल आकाश कुमार की स्थिति अभी सामान्य है, पुलिस आरोपियों की छानबीन में जुटी हुई है। बाराहाट रामकोल के रहने वाले मिस्टर यादव का पूरा परिवार डरा और सहमा हुआ है। बैहार जा रहे थे, उधर से दो तीन आदमी, तीन आदमी थे, एक बुजुर्ग थे और दो आदमी आए, तो मतलब अड्डा वाला रास्ता होता है ना, तो हम गए उधर से, तो वो सब घूम के उधर से ही आए, उसके बाद आए तो हमको क्या पता, दो दिन पहले झगड़ा हुआ था घर से, तो आए पड़ाक से मतलब सामान निकाला मार दिया, तो हम उछल गए तो पैर में लग गया, और भी दो तीन आदमी था तो मतलब दौड़ के आया, तो मतलब घर का मैटर था, जमीन उमीन भी बात का। कौन मारा गोली? पवन यादव और उसके साथ उसका बेटा था, उसका नाम बिल्टू कुमार है। जमीन की जमीन भी बात को लेके मारा, किसका जमीन था? जमीन हमें लोग का है, उसी मैटर में घर से झगड़ा चल रहा था, हम लोग से नहीं चल रहा था, मगर मेरे साथ ऐसा गोली मारा, तो वही दो तीन लड़का था हम लोग के गाँव का, तो दौड़े तो हमको उठा के फिर हॉस्पिटल ले गए बाराहाट। कब भर्ती हुए यहाँ? कल ही हुए हैं, बाराहाट से यहाँ पे भेजे हैं, उसके बाद। क्या नाम है आपका? आकाश कुमार। कुछ दिन पहले ततारपुर थाना क्षेत्र के लाल कोठी मोहल्ले की महिला का मोटरसाइकिल सवार दो अपराधियों ने सुबह के समय सोने का चैन छीन लिया था। उसी बाबत ततारपुर थाने में यह केस दर्ज किया गया था। अनुसंधान के क्रम में सीसीटीवी के अवलोकन के बाद बजाज डिस्कवर बाइक पर सवार दो अपराधियों की पहचान भी की गई थी। इसको लेकर मोहम्मद इम्तियाज उर्फ सिरफुट्टा को मुस्लिम हाई स्कूल के पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ के क्रम में बताया, मैं अपने सहयोगी के साथ इस घटना को अंजाम दिया था,
और सोने की चैन को मोहम्मद तबरेज के पास बेच दिया है। इस आरोप में सोने की चैन खरीदने वाले मोहम्मद तबरेज को उसके घर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मोहम्मद इम्ताज और मोहम्मद तबरेज में मोहम्मद इम्ताज का आपराधिक इतिहास भी रहा है। ततारपुर थाना क्षेत्र में लाल कोटी मोहल्ला से मैं एक महिला के साथ चेन छिनताई हुई थी, उसमें मोटरसाइकिल सवार थे दो अपराधी। तो सीसीटीवी फुटेज देखा गया कांड दर्ज करने के बाद, और सीसीटीवी से पहचान हुआ कि बजाज डिस्कवर बाइक पे दो अपराध कर्मी सवार हैं। उनकी पहचान की गई, एक का नाम मोहम्मद इम्तियाज था, उसको फिर गिरफ्तारी किया गया 18/11/23 को मुस्लिम हाई स्कूल से। उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो मोहम्मद तबरेज नामक व्यक्ति को चेन बेचा है। फिर हम लोग ने उसकी छापेमारी की और उसको भी पकड़ा गया। तो मोहम्मद इम्तियाज जो है वो मुजाहिदपुर और हबीबपुर थाना में इसके ऊपर लूट और डकैती का केस था पहले से, और जोगसर थाना में भी एक चेन स्नैचिंग हुई थी, उसके वादी ने भी पहचान की कि इसी ने उनकी भी चेन छीनी है। तो कुल मिला के 4 केसों का अभियुक्त था ये मोहम्मद इम्तियाज, और इसके साथ जो जिसने चेन खरीदी थी मोहम्मद तबरेज वो भी गिरफ्तार हुआ है। और इसमें थानाध्यक्ष तो ततारपुर से उन्होंने अच्छा काम किया है। इसके अलावा जो भी चेन स्नैचिंग हो रही है सारे केसेस का हम रिव्यू कर रहे हैं, और जो कमांड सेंटर बना हुआ है उसमें हम लोग अपनी एक टीम बैठाए हुए हैं जो रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहा है, और कैमरे का फीड कैसा है या उसमें नंबर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं उसकी हम लोग अभी टीम बैठा के सारे कैमरों का रिव्यू कर रहे हैं, उस कैमरे का एंगल अच्छा रहे ताकि जो भी बाइक सवार से घटना हो रही है तो उस बाइक का नंबर चिन्हित किया जाए। तो इसके उपरांत कई केसेस में हमने पाया कि वो लोग जो बाइक का नंबर है वो गलत यूज़ कर रहे हैं, या पटना का नंबर, या तो ऐसे लोगों के पकड़ने के लिए फिर हम लोगों ने चेकिंग भी बढ़ाई है, और चेकिंग में निर्देश दिया गया कि अगर बाइक के नंबर आगे या पीछे कुछ भी गड़बड़ लग रहा है उसको रोकेंगे और पूछताछ करेंगे, अगर उनके पास वैलिड पेपर्स होंगे तो ही छोड़ेंगे। और हम लोग ने अपना वायरलेस जो था वायरलेस प्रभावी करने के लिए भी सबको निर्देश दिया है, और तुरंत रिस्पॉन्स टाइम अच्छा हो, जैसे ही कोई घटना घटती है तुरंत हम लोग स्पॉट पे पहुंच के और सीसीटीवी देखना स्टार्ट कर दें। तो ये भी एक कोशिश हम लोग को चेन स्नैचिंग रोकने के लिए ये सब प्रयास हम लोग कर रहे हैं, और अभी हाल फिलहाल में ये एक इम्तियाज पकड़ा गया है, और उसमें जो दूसरा बाइक पे बैठा हुआ था मोहम्मद गुलाब उसको पकड़ने के लिए छापेमारी जारी है। और चेन स्नैचिंग को लेकर हम लोग काफ़ी संवेदनशील हैं और सारे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं जो मैंने आपको बताए, और जल्द ही हम और लोगों को भी गिरफ्तार करेंगे। श्री जिन भवानी सेवा समिति के द्वारा श्री जिन भवानी जन्मोत्सव एवं चुनरी उत्सव का आयोजन भागलपुर के श्री जिन मंदिर में आयोजित की गई। कार्यक्रम के दौरान श्री जिन मंगल पाठ आंवला नवमी को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही पूरे शहर में 108 मीटर चुनरी 201 महिलाओं ने अपने हाथों में पकड़कर नगर भ्रमण किया। इस चुनरी की खास बात यह थी कि इस चुनरी में कहीं भी जोड़ नहीं थी। इस विशाल शोभा यात्रा में ढोल नगाड़े गाजे बाजे के साथ लोगों ने जमकर भक्ति धुनों पर थिरका। कार्यक्रम का आयोजन भागलपुर के डॉक्टर आरपी रोड स्थित श्री अन्नपूर्णा मंदिर श्री मारवाड़ी ब्राह्मण मंडल धर्मशाला में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष पवन कुमार डोकानिया, उपाध्यक्ष महेश शर्मा, महासचिव अरुण कुमार वर्मा, सचिव अमरेंद्र वर्मा के अलावे दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम में श्री जिन महोत्सव के तहत 108 मीटर चुनरी शोभा यात्रा, श्री जिन भवानी माता की जोत एवं सामूहिक मंगल पाठ, कन्या पूजन एवं भंडारा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री आदिशक्ति जिन माता एवं हर्षनाथ जी मौजूद थे। इस कार्यक्रम में भागलपुर के हेमंत शर्मा पराशर और सहरसा के रवि शर्मा ने पाठ वाचन किया। आयोजकों ने बताया कि बहुत जल्द भागलपुर में श्री जिन माता का भव्य विशाल मंदिर स्थापित होगा। जिन भवानी का कार्यक्रम है और ये हम लोग हर साल करते हैं, ये हमारा चौथा कार्यक्रम है चुनरी शोभा यात्रा का। कितने मीटर का चुनरी होता है ये? 108 मीटर चुनरी हम लोगों ने सूरत फैक्ट्री से मंगवाई है, इसमें कहीं भी जोड़ नहीं है। कहाँ से निकलते हैं, कहाँ जाती है? ये मारवाड़ी बुद्धिया धर्मशाला के बगल में श्री जिन माता का मंदिर है, वहाँ से ये चुनरी पूजा होकर के वहाँ शोभा यात्रा के रूप में निकलती है। क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य समाज को एक मंच प्रदान करना, जो बिखरे हुए समाज है उसको एक मंच पर ला करके हम लोग जोड़ रहे हैं, और भागलपुर में जिन भवानी का एक विशाल मंदिर बनाने का लक्ष्य है।
भागलपुर जिला अंतर्गत शिवनारायणपुर थाना क्षेत्र के टिकलूगंज निवासी 26 वर्षीय श्यामानंद यादव ने कीटनाशक दवा खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मामले को लेकर मृतक श्यामानंद यादव के पिता ने कहा कि हमारा बेटा व्यवसाय करने के लिए ट्रैक्टर खरीदा था, जिसका लोन चुकाने में पैसे की तंगी को देखते हुए कीटनाशक दवा खाकर अपने आप को खत्म कर लिया। घटना की जानकारी मिलते ही युवक को कहलगांव NTPC अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं स्थानीय थाने की पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर भागलपुर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। सर गाड़ी जो लिए हैं सर, गाड़ी में किस्त में पैसा जो गिर गया, उसी टेंशन से माना किसी से ने बोला ने बताया जाके बाहर में। कौन सा गाड़ी लिए थे? ट्रैक्टर। ट्रैक्टर लिए थे? उसी में किस्ती गिर गया था। क्या नाम था बेटा का? श्यामनंदन यादव। उम्र कितना होगा? 25-26। शादीशुदा था? शादीशुदा है। बाल बच्चे? 3 लड़का 1 लड़की है। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर पूर्व रेलवे कर्मचारी के द्वारा पुरानी पेंशन योजना लागू करने के पक्ष विपक्ष में गुप्त मतदान किया गया। मतदान कार्यक्रम 21 नवंबर से 23 नवंबर तक चलेगा, जिसमें कर्मचारी अपना ओपिनियन पोल डालेंगे। इससे पता चलेगा कितने कर्मचारी इस पुराने पेंशन को फिर से शुरू करने के पक्ष में है और कितने इसके विपक्ष में। वहीं पूर्व रेलवे के संगठन सचिव सुनील कुमार ने बताया कि यह मतदान 21 नवंबर से 23 नवंबर तक चल रहा है। सभी कर्मचारी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हमें उम्मीद है सभी कर्मचारियों का ओपिनियन पॉजिटिव आएगा, जिससे कर्मचारियों को भविष्य में कई सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। पुरानी पेंशन चालू होने से कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद काफी सहायता मिलेगी, इसको लेकर यह कदम उठाया गया है। पेंशन के लिए कर्मचारियों को पेंशन मिले, इसके लिए मतदान कराया जा रहा है। कौन कर्मचारी इसके फेवर में है, कौन कर्मचारी इसके विरोध में है, इस तरह से एक गुप्त मतदान, मतलब एक तरह से ओपिनियन पोल लिया जा रहा है। रेलवे कर्मचारी किस चीज को लेकर, किस मांग को लेकर? वही कि हमको पुराने पेंशन को मिले, जो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, पुराने नए पेंशन को हटाया जाए, उसी के लिए मतदान किया जाए। कितने पक्ष में? इससे ये पता लगेगा कि कितने कर्मचारी जो है हमारे आगे एक हड़ताल की योजना बनाई जाएगी।